हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिधी। एंड आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं, आपके जितने भी स्टूडेंट सेकंड ईयर में इग्नू एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 03 यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन में जून 2024 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करें, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताने वाली हूँ कि MHI 03 इग्नू में MA हिस्ट्री, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आए, और इसी तरीके से हम अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर हम बात करेंगे आज MHI 03 स्टोरियोग्राफी। तो जैसे कि आप सभी को पता, आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का था, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स के लिए 500 वर्ड्स में, और 2 सेक्शन में यहाँ पर आपको मिलेगा, 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने आपसे क्या पूछा उसके बारे में देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आइडियोलॉजीज कंटेन एंड मेंटेन विजन्स ऑफ हिस्ट्री एंड क्रिएट एंड सर्टेन प्री डिस्पोजिशन इन द इंटरप्रिटेटिंग हिस्ट्री एक्सप्लेन। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कई स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया और कमेंट आया कि मैम इस बार फर्स्ट ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया, तो ये वही स्टूडेंट कह पा रहे जिन्हें कन्फ्यूजन हुई है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यूनिट 3 से ही पूछा है। आपके इस चैप्टर का नाम था ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, तो इस बार इन्होंने आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया, इसीलिए आप सभी कन्फ्यूज हो गए। मैक्सिमम स्टूडेंट कन्फ्यूज हुए ही हुए थे, तो कौन कौन यहाँ पर कन्फ्यूज हुआ था कमेंट करके ज़रूर बता रहा, किस किस स्टूडेंट को पता था कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपके यूनिट 3 ऑब्जेक्टिविटी और इंटरप्रिटेशन से ही पूछा गया है। तो इसीलिए मैं आप सभी को एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं मैम क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन हमेशा चेंज होते हैं, इसीलिए मैं आप सभी को टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वो लोग कभी भी चेंज कर देते हो। क्वेश्चन चेंज मतलब आपको आंसर आते हुए भी नहीं आता। आज के एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, तो याद रखना पहला जो क्वेश्चन था यूनिट 3 ऑब्जेक्टिविटी इंटरप्रिटेशन, इस बार डायरेक्ट चैप्टर का नाम दे करके नहीं, डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल दिया और इसको एक्सप्लेन करने को बोल दिया, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये मैं चीज़ इसलिए इस क्लास में डिस्कस कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले या फिर और इन फ्यूचर में एग्ज़ाम दोगे, ये गलतियाँ आप लोग ना करो, तो इन बातों का ध्यान रखना। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, ग्रीक रोमन की परंपरा यूनिट 5 से आया था, बहुत अच्छे तरीके से मैराथन क्लास में कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अकाउंट अर्ली ट्रेडिशन हिस्ट्री राइटिंग इन पर्शियन। तो ये 3 ब्लॉक से आया है, पर्शियन की हिस्ट्री राइटिंग, क्योंकि उसमें अरेबिक पर्शियन सब कुछ है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मिडल एजेस ऑफ द वेस्ट, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो मार्क्सिस्ट का जो वेस्ट वाला क्वेश्चन आता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। फिर मैंने आपसे कहा ही था कि यूनिट 12 आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर रंकिन की ट्रेडिशन की जो पूरा थ्योरी है वो आपसे पूछा गया था। तो अगर चलो अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले सेक्शन से यूनिट 5 कर सकते थे, ठीक है, रंकिन ट्रेडिशन। चलो यूनिट 4 अगर किसी को समझ आया नहीं आया वो एक अलग बात है,
पर्शियन का ट्रेडिशन, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में, इन सब के बारे में, मुगल्स के बारे में पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग बता सकते थे। यूनिट सेकंड भी आपने पढ़ रखा था ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, और यूनिट फर्स्ट में तो जो स्टूडेंट समझ चुके थे कि ये यूनिट थर्ड है वो करके आए होंगे, जो कन्फ्यूज़ हो गए उनकी एक अलग बात है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में अगर मैं देखूँ, 5 में से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते थे। वैसे तो देखा जाए 5 ही अटैम्प्ट कर सकते, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट को जिसको ये 5 के 5 क्वेश्चन के बारे में पता था। ठीक, चलो सेक्शन बी में देखो। सेक्शन बी में आपसे पहला क्वेश्चन आया, हाउ डिड द आइडिया ऑफ रेस इन्फ्लुएंस राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ टॉपिक ऐसे जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते, उसमें से ये एक था। नेक्स्ट आपसे मार्क्सिस्ट की स्टोरियोग्राफी वेस्ट, तो ये मैंने जब आपको MHI 03 के क्वेश्चन बताए थे उसमें ये इंपॉर्टेंट में मैंने आपको बताया था कि मार्क्सिस्ट की वेस्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज स्कूल, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाले ब्लॉक से कैम्ब्रिज स्कूल इस बार पूछा था इन्होंने। कैम्ब्रिज स्कूल, नेशनलिस्ट, कुछ भी आ जाता है, तो इन्होंने इस बार आपसे कैम्ब्रिज स्कूल पूछा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने आपकी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, सबल्टन फ्रॉम, जो सबल्टन स्टडी है उसके जो पहले वाला चैप्टर है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, तो मैंने जब आपको MHI 03 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक की जब वीडियो अपलोड की थी और उस पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो जो लोगों ने, जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो सब कुछ आज का एग्ज़ाम उन सभी का बेटर भी गया है। बहुत लोगों का कमेंट भी आया, मैसेज भी आया, बहुत अच्छा गया, बट कुछ यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी हुई, तो वो इसीलिए हुई क्योंकि हम एंड टाइम पर पढ़कर गए और स्टोरियोग्राफी हिस्ट्री राइटिंग मास्टर में बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन इसीलिए हुई क्योंकि आपने बार बार उसको नहीं करा। तो ये गलती जितने भी स्टूडेंट दिसंबर में एग्जाम देने वाले आप सभी नहीं करेंगे, पहले से स्टोरियोग्राफी पढ़कर रखना, बार बार रिविजन की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में शॉर्ट नोट है, इस बार यूनिट 7 रास तरंगिनी से आपको मिला। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो आपका ब्लॉक सेकंड है 30 मार्क्स का आता है, तो देखा आपने ये यूनिट 7 से आया, यूनिट 5 ग्रीक रोमन से आया। एल्बरूनी के बारे में इन्होंने पूछ लिया इस बार, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन इधर उधर कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली पूरे 10 के 10 क्वेश्चन रिपीट तो नहीं आएगा। फेमिनिस्ट स्टोरियोग्राफी ज़रूर आता है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था फेमिनिस्ट स्टोरियोग्राफी 10 नहीं तो 20 मार्क्स में आता ही आता है। और फिर इंडियन रेनेसांस की डिबेट, ये क्वेश्चन दिसंबर के में भी आया था, तो ये क्वेश्चन आपको करना था। तो ये पूरे MHI 03 के जून में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको दिखा दिया, हिंदी में आपके सामने है। तो जो आज का एग्ज़ाम कैसा गया, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, प्रॉब्लम कहाँ पर आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आगे आने वाले दिनों में डिटेल में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जितने भी स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले उन्हें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए यहाँ पर एक नया बैच जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोलमेंट करा भी लिया है। अगर आप में से कोई भी पेड बैचेस क्लासेस लेना चाहता है तो आप व्हाट्सअप नंबर है 8882196980 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पेड क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आपको इस व्हाट्सअप में देखने को मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, ताकि कोई भी अपडेट हो इग्नू से रिलेटेड तो आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो आज का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, नेक्स्ट है आपका MHI 06, उस पर भी जल्दी आपको मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो MHI 06 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उन सभी को अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी के पास नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।